ये देखो भाई कितने सारे आ गए, नदिया के पार लगा रहे नाव, लोगों को बचाया है, मतलब बोटी निकाल के दी पुलिस को मैंने। सब जगह पानी 15 फुट इतना ही रहा है, ये कहीं जा था कहीं कम है, कुछ नहीं पता जमना था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है फिर से आप सभी का एक और नए व्लॉग में। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो भाई बज रहे फिलहाल सुबह के 6:30, आपको टाइम दिखा रहा था भाई ये देखो, और बाहर जो है वो पूरी तरीके से अंधेरा हो रहा है। और आज है हमारा प्लान जाने का भाई यमुना घाट, और हम वहीं पे आज ब्लॉग बनाएंगे। तो आपको बता देता हूँ भाई, वहाँ पर जो है साइबेरियन बर्ड्स जो है वो माइग्रेशन के लिए आती हैं इस टाइम पे, मतलब अक्टूबर से लेके जनवरी एंड तक या फरवरी तक, विंटर के सीजन में पूरी बर्ड रहती है वहाँ पर। लास्ट सीजन भी मैं वहाँ पर जाने का प्लान कर रहा था, बट लास्ट सीजन में नहीं जा पाए, तो फिलहाल आज मुझे मौका मिला जाने का। तो भाई आज मैं आपको वहाँ पर मतलब आज मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहीं की सारी वीडियोज़ बनाऊंगा। और ये देखो बाहर भाई, अभी पूरी तरीके से अंधेरा ही है, और कल बारिश हुई थी इसलिए भाई रोड पूरी भीगी हुई है और ठंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं। तो चलो गाइस रेडी हो चुका हूँ मैं, फटाफट से निकलता हूँ भाई घर से बाहर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके भाई यमुना घाट, और ये रहा भाई मेरे साथ में विकास, ये भी तैयारी कर रहा है अपनी माइक वाइक लगाने की। और जस्ट भाई निगम बोध घाट के बगल में है, यहाँ पर हम कई बार ही आए हैं। तो ये रहा निगम बोध घाट सामने, और ये रही यहाँ की सारी दुकानें, और अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ के जाएंगे भाई यहाँ से ऊपर को। तो फिलहाल चलते हैं भाई अंदर घाट की तरफ, और आपको मिलते सीधा अंदर ही। तो भाई चलो बढ़ते हैं, यहाँ पर कीचड़ ज़्यादा आ रहा, विकास फिसल गया था, कीचड़ ज़रा ज़्यादा हो रहा है तो भाई यहाँ फिसल गया था मैं। तो चलते हैं अंदर भाई, पहली बार ही आए हैं, देखते हैं अगर एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आज का। भाई यहाँ से भी भाई लेके जा रहे हैं अंदर, पहले गेट था यहाँ पे भाई के बाहर के अंदर, ये मेरे ही नाम से घाट है। अच्छा, घाट का ओनर हूँ, पूरे दिल्ली यमुना पे या इंडिया के अंदर मेरे ही नाम चलता है। भगवान की कृपा, बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे पास शूट करने, फिल्म तक की शूटिंग कराई है पता लोग की। तो भाई ये पहुँच गए भाई अपने गणेश घाट। भाई ये देखो भाई यहाँ का सीन ही अलग है, और ये रे भाई गणेश भाई जो हमें लेके जाने वाले हैं अंदर। आओ चलो भाई चलते हैं बोटिंग के लिए फिलहाल, और भाई गणेश भाई ने अपने चप्पू वगैरह रेडी कर दिए हैं। कौन सी बोट में चलेंगे? रेड वाली, चलो भाई रेड में, येलो में चलेंगे क्या? येलो में चलेंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ बारिश का टाइम। चलो इसी में चलते हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, जल्दी आओ तुम्हारे शॉर्ट बन जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं भाई क्योंकि बारिश ना हो जाए, तो हम चलते हैं फिलहाल भाई सीधा अंदर। तो भाई बैठ चुके हैं नाव पे, और फिलहाल हमारा जो है सफर शुरू हो चुका है, और भाई सामने बहुत ज्यादा बर्ड्स हैं वो देखो भाई, अभी 5 जाएंगे उनके, और आई होप बारिश ना हो जाए। तो भाई बुला रहा भाई बोट में भाई, तो भाई ये देखो भाई अब शुरू करते हैं यहाँ पे भाई बुलाने से बर्ड्स आ जाते हैं। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई अलग ही नजारा भाई यहाँ पे, हजारों में भाई हजारों में। तो ये देखो भाई यहाँ का नजारा ही अलग है। वैसे कोशिश करता हूँ ऐसे खिलाने की, लेते नहीं लेते, ऐसे लेंगे नहीं भाई पटल कला मुझे। ये देखो भाई कितने सारे आ गए, और यहाँ पर अभी थोड़ा बारिश भी हो रहा है, बहुत होने लगी, स्टार्ट होने लगी। वापस चल रहे ना अभी हम, तो भाई हम वापस जा रहे हैं, दोबारा जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं थोड़ी देर अंदर और वापस आएंगे भाई, जैसे बारिश रुकेगी दोबारा आ जाएंगे अंदर वापस हम लोग। ये देखो भाई कितने सारे बर्ड्स हैं भाई। तो भाई फिलहाल हो चुकी है बारिश, हम आ गए भाई बाहर वापस से, तो थोड़ी देर बारिश का होने देंगे भाई इसको, जैसी बारिश खत्म होगी सुबह दोबारा जाएंगे भाई अंदर। फिलहाल वेट कर रहे हैं हम बारिश के रुकने का, और अभी हल्की हल्की हो रही है, आपको दिखाता हूँ सामने से व्यू। देखो भाई कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, बट वो बारिश में खिला रहे हैं, बट हम बारिश के रुकने का पूरा सा वेट पूरा वेट करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम वापस से यमुना में। तो भाई हो चुकी है बारिश बंद, और वापस से जा रहे हैं भाई बोट में, तो चलते हैं भाई वापस से। इसी बोट में पानी भर गया, ये बोट में पानी हल्का फुल्के से कोई मैटर नहीं है। हाँ चलो, तो चलो भाई चलते हैं इसके अंदर वापस, वही नमकीन लाना भूल गया था, रखिए वहाँ पे। बुलाना भाई इनको, ओ, 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 भाई बुला रहे हैं इनको, ओ, ओ, ये लो, ओ, ओ। लो। ओ, 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 ओ
थोड़ा लेट हो गए थे आने में ना इस वजह से, और बारिश भी उधर ही से ज्यादा चली गई। कितने सारे आ गए तो भाई ये है गणेश जी जिनके साथ भाई हम घूम रहे हैं, तो इन्हीं के नाम से घाट जो है फेमस है, तो बताएंगे यहाँ के बारे में थोड़ा सा। भाई ये यमुना घाट 5-6 साल हो गए 5-6 साल पहले कोई भी नहीं आता था यमुना घाट पे। यहाँ पर प्री वेडिंग शूट, मॉडल शूट, डांस वीडियो, म्यूजिक वीडियो, बर्थडे प्री वेडिंग शूट सब होता है यहाँ पर। प्री वेडिंग शूट कुछ ज़्यादा ही होता है यार, रिंग सेरेमनी भी करने आते हैं लोग, घूमने फिरने एंजॉयमेंट करने, बच्चे परिवार सब आ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत, बहुत अच्छी जगह है ये। कभी भी आओ ना तो मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है गणेश घाट नंबर 24 के नाम से, वहाँ आपको नंबर भी मिल जाएगा। अगर यूट्यूब पे वीडियो भी है मेरी, ब्लॉग बनाते हैं आप जैसे भाई लोग आते हैं यूट्यूबर ब्लॉग बनाते हैं, तो वो भी मेरा नंबर डाल देते हैं, तो मेरा फ़ोन कर लेते, नंबर आपको बता ही देते हैं, नंबर बता दो 9817139599 कॉल कर ले, क्योंकि यहाँ पे स्कैम करने वाले बहुत लोग हैं। जैसे मैंने बताया था नीचे भैया को कि यहाँ पे शमशान घाट मॉडलों को लड़कियाँ आती हैं, मजाक वजाक करते हैं, उनको भेज देते हैं, उल्टा सीधा मजाक करते हैं उनसे, तो मतलब छिछोरे टाइप के लोंडे भी कुछ मिट्टी पॉइंट पर मिल जाते हैं यहाँ पे, मिसगाइड करने वाले बदतमीजी करते, लूटने का भी और वैसे भी बदतमीजी भी करते हैं, तो उससे थोड़ा सावधान है, चेहरे को पहचान ले, गणेश से पहले कन्फर्म कर ले कॉल करके, घाट नंबर 24 कन्फर्म करें, नीचे किसी दुकान वाले से पूछे गणेश घाट नंबर 24 कौन सा है, बाकी लड़कों से ना पूछे, टी पॉइंट पर खड़े थे दुकान वालों से पूछे कि 24 नंबर घाट जाना है, या उनको बोलो तो मुझे बुला भी लेंगे वो, मैं नीचे मेरा घर भी है। तो हम भी आपकी वीडियो यूट्यूब पे देख के हैं, तो हाँ बहुत लोग आते हैं, मैं कईयों को मिलता भी नहीं हूँ मैं यहाँ पर, कि बहुत लोग मेरा नाम ले लेके वीडियो बना लेते हैं यहाँ पर आके, और जो चिढ़ते हैं ना बहुत लोग उल्टे सीधे भी बदतमीजी बोलते हैं मेरे बारे में कि ऐसा है, लूटता है, फलाना है, उनके बस के तो कुछ है नहीं, मैं बदतमीजी बोल के अपना नाम करना है उनको, हाँ नाम खराब करना, मतलब सारा का मान आने का केस भी करूँगा इन 10 सालों पर, कोर्ट में जाऊँगा इनके खिलाफ मैं, क्योंकि किसी का नाम को कर रहे ख़राब कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये मिस गाइड करते हैं उसको, तो उस पर केस भी करूँगा लड़कों में जो मेरे को मतलब बारे में गलत बोलते हैं। साइबेरिया की है ये, विदेशी है, साइबेरिया से 4 महीने के लिए आती है यहाँ पर, ये नवंबर से और मार्च तक यहाँ पर रहेंगी है, लास्ट मार्च तक, नहीं नवंबर से मार्च, 15 नवंबर के बाद आ जाती है, 15 नवंबर होली के बाद वापस चली जाएंगी सारी के सारी है। अच्छा, तो यहाँ प्रजनन भी यही करते हैं, बच्चे भी अपने ओखला की तरफ, कुछ वजीराबाद दो हिस्सों बढ़ती है ये, हजारों की तादाद में कुछ इधर जाते कुछ, और 10,000 का नमकीन सुबह, 10,000 का शाम को, दो टाइम का 10-15,000 का खा लेते हैं ये डेली, हाँ लाला चांदनी चौक के हैं वो खिलाते हैं इनको। अच्छा, तो ओखला बर्ड सेंचुरी वहाँ पर भी यही बर्ड आती है? नहीं मतलब वो तो मिक्स है वहाँ तो बहुत सारी, मगर यहाँ पर यही आती है, यही आती है यहाँ पर एक जाली। मगर वहाँ तो अलग अलग तरीके के भी आते हैं, यहाँ तो ये मिलेंगे तो सिंगल से भी है, तो ये बच्चे यहीं पर देते, बच्चे प्रजनन यही करते हैं ये। अच्छा, तो वो जो पीछे जितने भी जंगल है वहाँ पर? नहीं नहीं, ओखला की तरफ कुछ वजीराबाद बायोडाइवर्सिटी पार्क है वहाँ देते हैं ये। भाई हमारे गणेश भाई जो है वो गाने के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, मैंने इनके गाने सुने हैं कई सारे, मतलब जब मैं इनकी YouTube में वीडियो देख रहा था तो मैंने इनके कई सारे गाने भी सुने, तो अभी हमारे को एक गाना भी सुनाएंगे यहाँ पर, तो वह एक अच्छा सा गाना सुना दो। बताओ कौन सा गाना, तुम बताओ भाई गाना, कोई सा भी सुना दो, यहाँ पर एक है गाना भी सुनाने वाले हैं, यार सुना दो है, है तूने जाने कितनों के लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इस तरह पिया, और रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, और रैन तेरी मैं तो खैर मनाऊ, चंदा भी दीवाना है तेरा, सारी चकरियाँ काजल की सियाही से लिखी है, तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इस तरह पिया, और रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, और रन तेरी मैं तो खैर मनाऊं, ना 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 नारे नारे ना, तेरे बिन जीना मर जाना, जिंदगानी में तेरा होना, लख लख शुक्र अदा करना, ओ माही मैनू याद आवे, ओ माही मैनू याद आवे, ओ माही मैनू याद आवे, ओ माही मैनू याद आवे। मॉडल दा कॉमेडियन दा सुमर सब मेरे नाम के आगे लगता है, बड़े बड़े लोग हैशटैग लगाते हैं। चलोगे आइलैंड है तो
आइलैंड है मलेशिया का। चलो भाई आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं एक बार उस तरह। मलेशिया का आइलैंड लेके जा रहे हैं। चलना है क्या? छोड़ दूं? छोड़ के वापस आ लेके भी आऊंगा। तुम भी यार छोड़ दो यार। नहीं मेरे भाई लेके भी आओगे यहां से। बात करिए आइलैंड पे छोड़ना नहीं है, आइलैंड तक जाएंगे फिर वहां से वापस आ जाएंगे। हां बस दर्शन कर देंगे आइलैंड के। दर्शन करके आइलैंड के। गाइस आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं हम जो यहां पर। मलेशिया का आइलैंड है ये। मलेशिया का आइलैंड बता रहे भाई। ये देखो भाई बर्ड्स आ रहे हैं उड़ के। किसी ने बुलाया है वहाँ पे, आवाज लगा के इसलिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पे सारा रेती रहता है यहाँ पे। आवाज सुन लेते हैं। हाँ चले जाते हैं तुरंत। इनकी उतरना है? उतरना तो नहीं है। उतर के देखेंगे एक बार। थोड़ा देख लेते हैं। एक एक खड़े होकर ले लो, पाँच मिनट मार। तो भाई एक बार यहाँ पर उतर के देखेंगे हम कैसा है भाई, यहाँ का सीन भी देखेंगे एक बार। तो भाई हम पहुँच गए भाई यहाँ पर आइलैंड में भाई। और आइलैंड तो क्या ही भाई, पूरा बीच के तरह है मतलब पूरा। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मस्त नज़ारा है भाई। ये देखो भाई बर्ड्स कितनी ज़्यादा उड़ रही हैं। हम जैसे ही पास गए भाई वैसे ही चले गई हैं। तो बस यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट रुकेंगे उसके बाद हम वापस जाएंगे। तो गाइस अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी यहाँ पर पहुँचने में सुबह सुबह। और मैं लास्ट ईयर भी आना चाहता था यहाँ पर, बस मैं लास्ट ईयर आ नहीं पाया यहाँ पर, क्योंकि सीज़न आउट हो गया था। जैसे कि भैया ने बताया कि नवंबर से लेके मार्च एंड तक चले जाती है, तो मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आ नहीं पाया। बट इस टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मतलब यहाँ पर आने का। तो भाई विकास भी यहीं पर वीडियो बना रहा है, कैसा लग रहा है? अरे यार मज़ा आ गया ना। मज़ा आ गया भाई एकदम भाई। वहाँ पर वो वेट कर रहे हैं हमारा बोट लेकर। देखो चार तरफ भी बर्ड ही बैठे, बट अभी ना कम है, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। उस साइड के जगह चलेंगे वापस, ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। तो भैया किसी और को भी लेने के चले गए दोबारा से, तो हमें और टाइम मिल गया यहाँ पर घूमने का। तो थोड़ा सा और घूमेंगे 5-7 मिनट यहाँ पर। वैसे 5 मिनट के लिए रुकी थी उन्होंने यहाँ पर बोट, बट वो किसी को लेने गए तो तकरीबन 5-7 मिनट भी और लगे उनको लेके आने में। तब तक हम यहाँ पर दोबारा से घूमेंगे। ये देखो गाइस अब कितने सारे बर्ड्स उड़ के आ गए भाई। देखो सारे जो है भाई सर के ऊपर हैं। ये देखो भाई ये बहुत सारे हैं जो खा के चले गए भाई, इसलिए नहीं आ रहे वापस। तो इनका पेट भर चुका है फिलहाल। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर आने का जो है वो टाइम बता रहा था भाई। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अर्ली मॉर्निंग में और एक शाम के टाइम पे अच्छी साइटिंग होगी बर्ड्स की। जैसे अर्ली मॉर्निंग मतलब कि तकरीबन आपको जब सूरज निकलने वाला होता है, सूरज निकल चुका होता है, सूरज निकलने के बाद 1-1.5 घंटे तक यहाँ पर अच्छी साइटिंग रहती है बर्ड्स की। और शाम के टाइम पर जब सूरज यहाँ पर ढलने वाला होता है तब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्ड्स रहती हैं। तो अगर आप बीच में इस स्लॉट के बीच में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो भाई बर्ड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी। और अगर आपको यहाँ पर सुंदर नज़ारा लेना है बर्ड्स का तो आपको इन्हीं दोनों टाइमिंग पर आना पड़ेगा यहाँ पर बर्ड्स देखने के लिए। और अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पर बर्ड्स क्या खाती है, तो यहाँ पर बर्ड्स खाती है बेसन वाले नमकीन। बेटर रहेगा बाहर से अपना पैकेट लेके आना बेसन वाले नमकीन का, या खुला लेके आ जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 रुपये का पैकेट मिलेगा और उसमें बहुत कम नमकीन रहती है। तो बेटर है कि आप बाहर से नमकीन लेके आए। तो भाई गणेश भाई वापस आ चुके हैं भाई, पीछे से आ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर टाइम जो है ख़त्म हो चुका है घूमने का, और फिलहाल हम चलेंगे यहाँ से वापस। और अभी भी आपको दिखाता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा बर्ड्स यहाँ पर उड़ रही है, बहुत दूर दूर है, वो दिख नहीं रही, वो बहुत ज़्यादा दूर है, वो रही इधर ही को आ रही है, और कुछ यहाँ पर है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पर आना चाहता था बट मैं यहाँ पर आ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर आने का जो है वो टाइम ख़त्म हो चुका था। मतलब जो ड्यूरेशन होती है मतलब नवंबर मंथ, जैसे भैया ने बताया था नवंबर से मार्च तक यहाँ पर बर्ड्स रहती है, तो वो जो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर आ नहीं पाया। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थी कि मैं यहाँ पर आऊँ वीडियो बनाने के लिए। तो फाइनली आज मैं यहाँ पर आ गया और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में, अलग ही मज़ा है यहाँ पर घूमने का। यहाँ पर दोबारा से आ चुके गणेश भाई, आ जाओ विकास चलते हैं भाई वापस। दोबारा अपने घर के पास जा रहे हैं भाई, अपने किनारे पे जा रहे हैं। इस किनारे से उस किनारा नदिया के पार लगा रहे हैं नाव भाई। भाई मजा आ गया लेकिन गणेश भाई आज बहुत जैसा मौसम में घूमने का अलग ही मजा। सनराइज रोज है मंदिर भी, ये बाबा अलकनाथ का ही रहा, ये रहा फेमस मंदिर। ये बाबा अलकनाथ का मंदिर दिखाते ना यूट्यूब में वीडियो, ये पानी के बीच बीच बना हुआ है ना। हाँ है तो भाई पानी के बीचों बीच मंदिर। ये कहते हैं जिस दिन ये मंदिर डूब गया ना पूरी दिल्ली डूब जाएगी, इसके बारे में बताते हैं। क्या बोलते हैं? जिस दिन ये मंदिर डूब गया पूरी दिल्ली डूब जाएगी। इस बार जो बाढ़ आया था ना हमारे घर में है ना 10 फुट पानी था। हाँ और मैं है ना उस संतरा हॉस्पिटल देख रहा हूँ, वो हॉस्पिटल तैर के वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते थे एसडीएम साहब। मैंने अपने घर में कागजात अपने निकालने के लिए छलांग मार ली मैंने वहाँ से हॉस्पिटल के पास से छलांग मार के, अपने भाई को लेके कूद के अपने यहाँ आ गया। और सन्नाटा पूरे इलाके, बंदा नहीं बंदे की जात नहीं, 12 फुट पानी जहाँ तुमने बाइक लगा रखी 12 फुट पानी। हाँ पूरी दुकान वकान सब डूबी पड़ी हुई थी, मेरे भाई वहाँ से तैर के आए दोनों भाई हम। और अपने जो घर के कागज वागज थे ना इतने बड़े कटा हुआ था वो प्लास्टिक का, उसके अंदर रख के लेके गए उसको। हाँ और बक्सा था मेरा नोटों से भरा हुआ,
वो भी लेके गया मैं। लोग सोचते मजाक समझते भाई, नोटों से बड़ा बक्सा था, वही मैंने अपना खिड़की तोड़ के अपना निकाला मैंने। तो मतलब मनी ब्लैक में रखते हो भाई, लोग मजे लेते कहते हैं बक्सा लूटूंगा। हाँ भैया नदी गहरी भी काफी है भाई, 15 फुट है। मगर भाई रियल बताओ, 15 दिन में अपने 15 दिन अपने घर से बाहर रहा हूँ मैं। ये जो बाढ़ आई है, ऐसी बाढ़ मैंने कभी जीवन में नहीं देखी। इस बार बाढ़ आई, बहुत पानी था, हर घर के अंदर सांप था, हर घर में सांप, दो दो सांप तो मैंने फेंके, दो मुंह वाले सांप। अच्छा। कट्टे में निकाल के जमुना के अंदर फेंके मैंने दो दो बार। और रात में सोता था, मम्मी थी होती थी मेरी वहीं बराबर में, और कोई नहीं था, मेरे घर के आधे दूर थे। जमुना पार में लोनी बॉर्डर मेरा घर है, एक घर मेरा ही है, मेरा घाट नंबर 24 है, एक जमुना पार में ये मेरा पूरा मेरे नाम से ही है। मैं ओनर हूँ यहाँ का। मैंने अपने घाट की सफाई करने के लिए 25,000 रुपए लगाए, पूरे मट्टी भर गई थी। तुम्हारी रेंज कितनी इस घाट की है? इस घाट की रेंज कितनी, कहाँ से शुरू कहाँ तक? मतलब मुझे नाव से और ऊपर लास्ट से लोहे की सीढ़ी तक घाट है मेरा, वो सीढ़ी से जाए उतर के लोहे की सीढ़ी और घाट जो नाव बन रही है। अच्छा वो, अच्छा वो तुम्हारा उतना है ना एरिया? अच्छा ये मेरा। और ये अच्छा, अगर हम पानी में जाए तो ये पानी कहाँ तक जाएगा भाई? ये मैं यहाँ से ना, मैंने कहाँ तक अपना बताओ? मैंने भाई 6 किलोमीटर स्विमिंग करी है मैंने, इतना पता। आप बोटिंग चलाई है? 6 किलोमीटर बोटिंग चलाई है मैंने यहाँ से। हाँ बोटिंग 6 किलोमीटर आज से चला के लेगा 6 किलोमीटर इसको मैं। मेरा पसीना पसीना निकल गया था, जीवन में एक बार मैंने स्विमिंग करी इतनी लंबी, 6 किलोमीटर आज तक नहीं करी मैंने, वो भी 12 साल पहले की बता रहा हूँ आपको मैं, 12-13 साल पहले। स्विमिंग कॉम्पिटिशन होता था यहाँ पर, राजीव गांधी तैराकी प्रतियोगिता होती थी। अच्छा। पतंगबाजी भी करता था तो मुझे प्राइज मिला है, एक हाथ में चरखी एक हाथ में पतंग होती थी। हाँ उड़ाते हुए जाता था यहाँ से मैं। अरे भाई मैं तो बहुत शौकीन हूँ, मेरे को तो पतंगबाजी का मेरा बहुत शौक है। आपने इसके अंदर डुबकी लगाई पानी की? भाई स्विमिंग इसी में सीखी है मैंने, लोगों को बचाया है, मतलब बॉडी निकाल के दी पुलिस को मैंने। कश्मीरगढ़ थाना लगता है मेरा, हमारे पुलिस वाले सारे जानते हैं। मेरे को सरकार की तरफ से कोई इनाम नहीं मिला, किसी सरकार ने प्रोवाइड नहीं किया, कोई पुरस्कार नहीं दिया, सब जर्मनी बदला गया उसमें कि भाई इन्हें बॉडी निकाली। कोरोना में इतनी हेल्प करी मैंने लोगों की, उसमें सालों ने नहीं पूछा मेरे को क्या पूछेंगे। तो भाई अगर हम यहाँ से मतलब अगर बोट लेके जाए सपोज करो कोई भी, तो कौन सा किनारा पड़ेगा इस भाई? लास्ट में पड़ेगा आपको मजनू टीला वजीराबाद, लास्ट मजनू को टीला इधर। हाँ इधर पड़े, इधर पड़ेगा सबसे पहले पड़ेगा गीता कॉलोनी फिर आईटीओ। अच्छा इधर से उधर पड़ेगा मजनू का टीला, इधर गीता कॉलोनी आईटीओ, गीता कॉलोनी गीता कॉलोनी आईटीओ। अच्छा उसके बाद फिर ओखला, फिर ओखला। हाँ मैं आईटीओ तक जा सकती ना हो यहाँ, आईटीओ मैं आईटीओ तक जा सकती यहाँ से ना हो, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा सकते हैं यहाँ से। सब जगह पानी 15 फुट इतना ही है, ये कहीं जगह था कहीं कम है, कुछ नहीं पता जमुना का। और जब बरसात आती तो और ज्यादा हो जाता है। फिर पूछो मत मेरे भाई, फिर तो बंदे जल्दी जाते नहीं है बोट के अंदर, है ना? पुलिस वाले हमारी ड्यूटी लगा देते हैं यहाँ पर। मैं फ्री सेवा करता हूँ भाई, मैं यमुना पे किसी को कोई बचाता हूँ, कोई 1 रुपया नहीं लेता मैं उसका। अच्छा। कोई फ्री सेवा करता हूँ मैं, पुलिस वाले एसडीएम मेरे को यहाँ पे लगा के जाते हैं। तो भाई यहाँ थोड़ी सी नमकीन बची है, ओ, 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 पहले ओ, उतर जाए यहाँ पर तो नमकीन लो। तो भाई आ रहे हैं, अभी भी कुछ है होगी ना, सही टाइम पे आ जाते हैं, बारिश वापस आ जाते हैं, बारिश होने वाली है। तो भाई हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा रहा है आज। तो भाई पहुंच चुके वापस से किनारे में, भाई वापस से पहुंच चुके किनारे में, और ये देखो भाई अपना चप्पू लगा रहे हैं भाई, चप्पू लग चुका है भाई, अब ये आ गए अपना किनारा, अब उतरेंगे वापस। तो भाई अच्छा बहुत ज्यादा मस्त एक्सपीरियंस रहा भाई आज का। तो भाई यहाँ पर अंकल जा रहे हैं वापस से, यार कभी और मजा दिलाऊंगा यार, भगवान की कृपा से बहुत लोग आते हैं मेरे पे, बहुत काम आता है। तो हमारे उतरने से पहले एक अंकल और आ गए यहाँ पे राम बाजार के भाई, कभी चाट पापड़ी खानी हो, अच्छा लाल दरवाजे के प्रॉपर्टी खरीदनी हो भाई, पुराने दिल्ली में मकान चाहिए ना तुम्हें, अच्छा तो मिल जाएगा अंकल का। तो अंकल जी आ गए भाई यहाँ पे नमकीन खिलाने के लिए, तो अभी हम एक राउंड और जाएंगे अंकल के साथ दोबारा। तो भाई हम तो उतर ही रहे थे बस बोट से भाई, इसने हमारे को अंकल जी मिल गए यहाँ पर, तो अंकल जी खिला रहे हैं भाई यहाँ पे बर्ड्स को खाना नमकीन। तो इसी से रोज ही आते अंकल, तो इसी बारे में हमारे को भी एक मौका मिल गया दोबारा से जाने का, तो हम भी भाई एंजॉय करेंगे। अब यहाँ से जाने का ऐसे मन कर ही नहीं रहा, तो हमारे को एक बहाना और मिल गया भाई यहाँ पर वापस से यमुना नदी में आने का। देखो भाई फिर से आ गए, है ना? इसी दिल से आ जाता ना वो एक आवाज, आवाज पे एक आवाज सारा। चलो भाई अब आराम से उतरते हैं बाहर, फाइनली उतर रहे हैं भाई अब हम। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ओह तो चलो निकला है भाई बोट से बाहर अपने, ये रे भाई गणेश भाई, अब चलते हैं वहाँ, मतलब दोबारा उतरते हैं, बारिश की बूंदें दोबारा से शुरू हो गई है यहाँ पे। तो गाइस आ चुके भाई अब बोट से बाहर, और ये रहे हमारे गणेश भाई। तो भाई ये भाई बताएंगे आपको, ये इनकी सारी बोट्स हैं यहाँ पर अलग अलग कलर की है, जो भी वेडिंग मॉडल शूट के लिए जो मतलब चॉइस करते हैं ना उनके लिए कलर, और जो जो मतलब जो भी कलर की बोट चाहिए ना आपको रिक्वायरमेंट है भाई इनको बता देना आप, ये आपको वही वाली कलर की बोट दे देंगे। उसी तो ज्यादा बिजी हो जाते हैं, थोड़ा टाइम भी लगता है, बाकी आपके लिए कलर कभी खाना पीना भी हो ना पुरानी दिल्ली में तो भी मैं ले चलूंगा तुम्हारे को, चाट पकौड़ी दही बल्ले पापड़े खाना हो। अंकल तो भी ले गए सीताराम सीधा बाजार, सारे जानते हैं पुरानी दिल्ली में चावड़ी बाजार के अंदर, चावड़ी बाजार में खाना पीना हो तो वो भी करवा दूंगा, प्रोग्राम बनाना हो कभी खाने पीने। तो चलिए भाई गणेश भाई बहुत मजा आया आपसे मिलके आज, फिर दोबारा मुलाकात होगी जल्दी। हाँ तो चलिए भाई काफी देर तक यहाँ पर फोटोशूट करने के बाद
अब हम उठाते हैं अपना बैग और भाई निकलते हैं यहाँ से आगे। और फिलहाल हम घर नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे हम, क्योंकि आज हमने जल्दी फ्री हो गए भाई। अभी तकरीबन कितना बज रहा है विकास? 9 बज रहे होंगे ना? 9 तो 9 बज रहे हैं भाई। अभी हमारे पास बहुत टाइम है घूमने के लिए, तो अभी हम एक लोकेशन और घूमेंगे शायद। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से बाहर और आपको मिलते हैं सीधा आगे। तो भाई सीज़न इतना ख़राब हो चुका है बारिश की वजह से मौसम, ये देखो भाई पूरे पैर फिसल रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा रिस्की हो रखा है हमारे लिए चलना यहाँ पे। और यहाँ की गलियाँ देखो कैसी है, बिकॉज फिसलन बहुत हो रही। मेरे पैर में तो पूरा कीचड़ चिपक चुका है, कुत्ता देखो कहाँ बैठा हुआ है। तो ये देखो भाई पैर फिसल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया बिकॉज चलना ना। तो चलते भाई, हमारा बहुत अच्छा दिन रहा है आज का यहाँ पर, मतलब मज़ा आ गया मतलब आज यहाँ पे। इसको देखो बाइक हमारी यही नीचे खड़ी है विकास की, उसको उठाएंगे फिर जाएंगे आगे यहाँ से। तो फिलहाल हम जा रहे थे भाई कहीं आगे के लिए, बट यहाँ पर हो रही है बारिश तो हमने ले लिया भाई यहाँ पर चाय। और ये रहे गणेश भाई, ये भी हम यहीं ले, इन्होंने बोला कि चाय पी लो पहले, उसके बाद जाना यहाँ से आगे। इनकी दुकान है भाई यहाँ पर, इनकी दुकान है यहाँ पर। तो जब तक बारिश रहेगी तब तक तो हम यही रहेंगे भाई इसके नीचे, छत के नीचे, उसके बाद बढ़ेंगे यहाँ से आगे। तो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे बारिश के रुकने का भाई। अब बारिश जो है वो रुकी तो नहीं है, बट हल्की हल्की अभी भी हो रही है। तो आज का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा भाई यमुना घाट में घूमने का। यहाँ पर जैसे कि आप, घाट नंबर 24 था ये, और ये रहा भाई ये घाट नंबर 24, और इसके जस्ट पीछे यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वो दिख नहीं रहा स्पीड की वजह से। तो यहाँ पर ये वाला घाट नंबर, यहीं से चढ़ के गए थे हम ऊपर। तो आज का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में काफ़ी सारा बर्ड्स वगैरह थी यहाँ पर आई थी। तो मतलब पहली बार आया था मैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा मतलब था आने के लिए कि यहाँ पर आएंगे आएंगे। तो फाइनली आज भाई प्लान बन ही गया। तो फिलहाल अब यहाँ से हम निकलेंगे अब दूसरी लोकेशन के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ही करते हैं एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हुक्काई आ गई है, हुक्काई।